मैं घंटों के हिसाब से पढ़ाई में विश्वास नहीं रखता, मैं क्वालिटी के हिसाब से विश्वास रखता हूँ। आप वो सेम काम आधे घंटे में भी कर सकते हो और 3 घंटे में भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसंट्रेशन कितनी है और आप कितनी शिद्दत से, कितने मन से पढ़ाई कर रहे हो। मैं राहुल भंडारी हूँ, IAS पंजाब काडर में हूँ, 97 बैच, 26 साल हो गए हैं सर्विस को और अभी मैं प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर पंजाब भवन न्यू दिल्ली में पोस्टेड हूँ। फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से बोला जाए तो मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड है, मेरे पेरेंट्स दोनों टीचिंग लाइन से एसोसिएटेड थे। माय मदर शी वाज ए बायोलॉजी टीचर, वाइस प्रिंसिपल थी, और मेरे फादर लॉ बैकग्राउंड से थे और रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी में थे, GNDU अमृतसर में। बैकग्राउंड में मेरी, मैंने इंजीनियरिंग की थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से 94 में, और जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो एक PSU है हमारे वहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की PSU थी, पंजाब कम्युनिकेशंस लिमिटेड करके उसका नाम था, तो वहाँ पे कुछ देर जॉब किया, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया तो इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लियर हुआ, तो उस टाइम पे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ज्वाइन किया, कुछ देर वहाँ ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, तो साथ में ही सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी जो रैंक थी उसमें उस समय के हिसाब से तो रैंक पीछे थी, आज के हिसाब से तो उसको बहुत अच्छी रैंक है क्योंकि अब वैकेंसीज बढ़ गई हैं, बट मैंने फर्स्ट टाइम में तो देन मैं ड्रॉप्ड, टुक सेकेंड चांस एंड सेकेंड में विद गॉड ग्रेस आई हैड ए गुड रैंक एंड आई गॉट माई काडर, माई होम स्टेट पंजाब एज माई काडर, एंड आई बिन वर्किंग सिंस 97 इन द स्टेट ऑफ पंजाब। मैं घंटों के हिसाब से पढ़ाई में विश्वास नहीं रखता, मैं क्वालिटी के हिसाब से विश्वास रखता हूँ। आप वो सेम काम आधे घंटे में भी कर सकते हो और 3 घंटे में भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और आप कितनी शिद्दत से, कितने मन से पढ़ाई कर रहे हो, किस मटीरियल से पढ़ रहे हो। पढ़ने में क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा से सर्विस करता रहा हूँ, आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 21, आई वॉज लेस देन 21 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, सो मैंने कभी ऐसे, मुझे वो लग्जरी नहीं थी कि मैं घर बैठ के आराम से साल, 2 साल, 3 साल बैठ के तैयारी करूँ, तो एक जॉब से दूसरी जॉब, दूसरी जॉब से तीसरी जॉब, इस तरह से ही मैंने तैयारी की है। तो उसके लिए आप मटेरियल सही चूज़ करिए और कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ें, चाहे 2 घंटे पढ़ें, चाहे 4 पढ़ें, चाहे 6 पढ़ें, वो आपके सर्कमस्टांसेस, आपके सब्जेक्ट और आपकी बैकग्राउंड पे निर्भर करता है। कोई इस तरह का वो नहीं है फॉर्मूला कि मिनिमम 10 घंटे, 12-13 घंटे पढ़ने से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है, इसमें ऐसा कोई भी कोई फिक्स्ड पैरामीटर नहीं है। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस वाला जो है वो इस पे, इस एग्ज़ाम पे स्पेशली एप्लीकेबल है। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखें, दिस इज़ वन ऑफ द एग्ज़ाम्स, एंड लेट मी टेल यू, जो हमारे समय और आज में ये फ़र्क है कि लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू एंड और हेवंस आर नॉट गोइंग टू फॉल, कि अगर ये एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इन ईदर वे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस सोसाइटी में, डिफरेंट स्टेटस में डिफरेंट प्रोफेशंस की इक्वली इम्पॉर्टेंस है और इक्वल ज़रूरत है, तो इसलिए आप इस एग्ज़ाम को दें। ठीक है, आप क्योंकि पब्लिक सर्विसेज के साथ जुड़ते हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं आपको, आपको बहुत वेरिएशन ऑफ जॉब मिलती है, बहुत चैलेंजेस मिलते हैं, एक्साइटिंग जॉब है, बट एट द सेम टाइम अब आज की सोसाइटी में ऐसे 20 प्रोफेशन होंगे जो इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और जिनमें सेम स्टेटस मिलता है, तो इसलिए मैं कहूँगा पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से एग्ज़ाम दें और एक्सपेक्टेशंस अपनी, ठीक है वो जो गीता में कहा ना कि अपनी ड्यूटी करते जाओ और उसके बाद जो होगा जो, वो तो ऊपर वाले ने डिसाइड करना है कि क्या आपके लिए अच्छा है क्या बुरा है। सो कीप विद पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड एंड वर्क हार्ड। यस, हार्ड वर्क इज, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। ये तो देखिए सब बचपन से हम भी पढ़ते आ रहे हैं, जब क्लास 4th-5th में होते थे ना तो एक पोस्टर बना होता था क्लास में, वर्क इज़ वर्शिप, तो तब उसकी वैल्यू समझ नहीं आती थी, जब हम सबको जब ड्राइंग सिखाई जाती थी तो बनाया जाता था वर्क इज़ वर्कशिप, तो वर्क इज़ वर्कशिप की आज सबको एटलीस्ट इसको याद रखे, हार्ड वर्क करेंगे तो रिजल्ट आएंगे, मोर प्रोबेबिलिटी है रिजल्ट आने की अगर आप अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप पॉजिटिव माइंड से करें, पीयर से बातें करें, दोस्तों से खूब आपस में बात करें, मिलें, डिस्कस करें एग्ज़ाम्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, कंटेम्प्रेरी इशूज़ के बारे में,
न्यूज़पेपर पढ़े। मैं न्यूज़पेपर पढ़ने को सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आप क्या अपने व्यू बना सकते हो? आप अपने ओपिनियन तभी बना सकते हो अगर आपको पूरे फैक्ट्स पता हों, चाहे वो नेशनल हों, चाहे वो इंटरनेशनल हों, चाहे इकोनॉमिक हों, पोलिटिकल हों, इन्वायरमेंटल हों, जोग्राफिकल इशूज़ हों। तो ये सब आपके आसपास क्या हो रहा है, इसके बारे में खूब ध्यान रखें और उस पर फोकस करें। तैयारी के दौरान एक चीज़ और करनी होती है जी। मैंने देखा बहुत सारे लोग 10-10, 20-20 किलो वेट बढ़ा लेते हैं और सारा कुछ छोड़ देते हैं कि जी हम तो तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए जी हम बटर सैंडविच भी खाएंगे और सब कुछ खाएंगे, कोई परवाह नहीं। ऐसा ना करो। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज फिज़िकल स्टेट ऑफ माइंड। डू प्ले समथिंग, कुछ ना कुछ खेलो। अगर आप खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, बैडमिंटन खेलो, वॉक करते हो। मैं वॉक का बहुत, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉकिंग, रनिंग। तो मैं तो उस समय भी जी अपनी वॉकिंग पूरे एग्ज़ाम्स के दौरान में करता रहा हूँ, मैंने खूब किया। हॉबीज़, एक जब आप एग्ज़ाम देते हो तो एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, एक इम्पॉर्टेंट कॉलम होता है आपकी हॉबीज़ के बारे में, और जो आपके जो अच्छा परफॉर्म करते हो, प्रीलिम्स मेंस करते हो, तो इंटरव्यू में हॉबीज़ पे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप अच्छा, इसकी हॉबीज़ के दो फायदे हैं। एक तो आपको हर इंडिविजुअल की कुछ ना कुछ हॉबी होती है और होनी भी चाहिए, बिकॉज वी आर नॉट मशीन्स, वी ऑल्सो हैव सम इमोशंस एंड वी ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ ए, आई वुड से कि एक आउटलेट होना चाहिए जिससे कि आप अपने जो आपके अंदर का जो वो क्रिएटिविटी है उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसलिए आप हॉबी, एक तो आपको हेल्थ वाइज फिजिकल मेंटल अच्छा रखती है, दूसरा आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी में भी इट्स इक्वली यूज़फुल। तो जैसे मैं बहुत सारे लोगों का देखता हूँ, हॉबी की बात करते हैं कि कईयों की होती है ट्रैवलिंग, किसी की कुकिंग, कोई फूड, कोई गार्डनिंग। जैसे मेरी हॉबी मैंने उस टाइम पर लिखी थी रीडिंग न्यूज़पेपर्स, मुझे बहुत शौक है, आज भी उतना ही शौक है न्यूज़पेपर्स पढ़ने का जितना 90s में था जब मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी करता था। मैं आज भी 5-7 अखबार ज़रूर रोज़ पढ़ता हूँ, 1.5-2 घंटा मुझे पढ़ने होते हैं, स्पेशली एडिटोरियल्स और स्पेशली इंटरनेशनल न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़, जो मुझे इंटरेस्ट देते हैं। तो इसलिए आप अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दें। अगर किसी को वॉकिंग का शौक़ है, रनिंग का शौक़ है, ट्रैवलिंग है, कुकिंग का बहुत लोगों को शौक़ होता है, तो उस पर पेंटिंग होता है, बहुत अच्छे पेंटर्स होते हैं जो बने हमारे, जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, तो उस पर भी आप फोकस करें। तो वो हॉबीज़ आपको अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आपको एडवांटेज भी देती हैं, और करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके ओवरऑल मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से भी। कमिंग टू द ऑप्शनल्स, इंजीनियरिंग की थी तो एक ऑप्शनल तो इंजीनियरिंग था। लोगों ने उस टाइम पर काफ़ी समझाने की कोशिश की कि इंजीनियरिंग टफ होता है, मार्क्स कम आते हैं, बट मैंने कहा नहीं, मैं अब क्योंकि इंजीनियरिंग में 4 साल लगाए हैं तो इंजीनियरिंग ही रखूँगा। इंजीनियरिंग ही रखा और अच्छे मार्क्स आए थे। दूसरा मैंने, क्योंकि मैं वर्क कर रहा था तो दूसरा मुझे सब्जेक्ट जो अच्छा लगता था दैट वाज एंथ्रोपोलॉजी, और मेरा एक काफ़ी इंटरेस्ट जेनेटिक्स में था, और एक मेजर कंपोनेंट एंथ्रोपोलॉजी में फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी और जेनेटिक्स होता है, तो मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने वो दूसरा एग्ज़ाम रखा, दूसरा ऑप्शनल वो रखा। इसके अलावा ओवरऑल आई हैड ए वेरी बैलेंस स्कोर इन ऑल दी थ्री थिंग्स, दैट इज जनरल स्टडीज़ and both the optionals and equally good, rather good score in interview also. Exams के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि जी डटके बढ़ो आगे। मैं हमेशा बचपन में एक पोएम पढ़ता था, तो मैं उसी पे फिर से आपको बोलता हूँ, वो सब अपने मन में रखिएगा कि वो थी, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो, तुम निडर हटो नहीं। तो इस पे ही कायम रखिए, ये एग्ज़ाम तो पहाड़ की तरह है, तो डटे रहिए, भगवान आपके साथ रहेंगे, मेहनत का फल मीठा होता है, कई बार देर से आता है पर आ जाता है, मीठा आता है। जब ये इस एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आया तो उस टाइम मैं टेलीकॉम सर्विस में था और ट्रेनिंग कर रहा था जबलपुर में, तो मेरे किसी बैचमेट, मेरे फ्रेंड, वो भी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे रिज़ल्ट आया और तुम्हारा अच्छा रैंक आया, तो बड़ी खुशी हुई प्राप्त कि जान के कि ठीक है, चलिए मेहनत की थी, मेहनत का नतीजा अच्छा मिला है। पेरेंट्स को बताया, बहुत खुशी हुई क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थे सारे, अभी भी हैं, तो एक मिडिल क्लास के लिए एक अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है ये सिविल सर्विस का एग्ज़ाम। तो उसके बाद मैंने, ठीक है, इसके बाद जी अपना टेलीकॉम सर्विस, लेकिन मैंने टेलीकॉम की ट्रेनिंग फिर भी पूरी की,
जैसे ज्वाइनिंग 7 सितंबर को करनी थी तो मैंने अपना रिज़ाइन सिर्फ 2 दिन पहले ही वहाँ से दिया और ज्वाइन किया, बिकॉज मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर रहा था, मुझे वो जॉब बहुत पसंद थी और वहाँ पे भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस था, तो वहाँ से मैं फिर ज्वाइन करके इधर अपना मसूरी एकेडमी उस टाइम पे ज्वाइन किया। मैं आप सबको, यंग जनरेशन को, आपको अच्छी शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। आप अपने जिस पथ पे चल रहे हैं उस पे आगे बढ़े, हिम्मत से बढ़े, मेहनत से बढ़े और खुश रहें और ज़िंदगी को एक्सप्लोर करें, मतलब जिस भी जहाँ पे भी हैं, एक्सप्लोर योर लाइफ। ये लाइफ जो कहते हैं, जैसे सिखों में, सिख इतिहास में लिखा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद आपको ये इंसान का योनि प्राप्त होती है, तो इसलिए इसमें इसको, लाइफ को एंजॉय करें, एक्सप्लोर करें और आगे बढ़ें।